अस्सलामुअलैकुम। SFS बन रसोई के नाम से हमने एक चैनल स्टार्ट किया है और आज ये हमारी पहली वीडियो है। इसमें हम एक छोटा सा रेसिपी मीठे की बनाने जा रहे हैं, सूजी का हलवा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और ये मैंने एक स्मॉल बाउल जो है सूजी ली है और इसे हम पहले घी में रोस्ट करेंगे। सूजी हम कढ़ाई में ऐसे डाल के इसको रोस्ट करेंगे। ऐड करूंगी क्योंकि मैं हमेशा सूजी देसी घी में ही रोस्ट करती हूँ, इससे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गैस मैंने मीडियम कर दी है, लो फ्लेम पे से थोड़ा सा घी के साथ अब सूजी को अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। क्योंकि हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है कि हम कम टाइम में छोटी छोटी और अच्छी चटपटी रेसिपीज बनाएं। मैं खुद एक वर्किंग हूँ तो मुझे कम टाइम में अच्छी रेसिपीज बनाने की आदत भी है और कह लीजिए टाइम नहीं मिलता है कुछ बड़ी बड़ी रेसिपीज ज़्यादा टाइम लेती है। सूजी रोस्ट करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेती है रोस्ट होने में, लेकिन इसे लो फ्लेम पे ही हम रोस्ट करेंगे नहीं तो बहुत जल्दी सूजी जो है वो जल जाती है। तो अभी ये हुई नहीं है, अभी इसे हमें और देखिए सूजी रोस्ट हो रही है। इसमें साथ में ही हम हरी इलायची भी ऐड कर देंगे ताकि इसके साथ ही बहुत अच्छे से भून लेते हैं। हमारी सूजी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, बस इसे 10-5 सेकंड ऑफ करेंगे। उसके बाद में हम इसे इसमें पानी ऐड, दो बाउल पानी ऐड करूँगी। एक में डाल चुकी हूँ, एक में और डालूँगी। शुगर ऐड करेंगे, एक बाउल शुगर लिए मैंने। अब इसमें मीठा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कम ज़्यादा। ग्रेटेड कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोकोनट को उससे चाकू से भी बारीक काट सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेटेड कोकोनट ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं नट्स यूज़ करूँगी, बादाम, किशमिश, काजू। अब इसको अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद इसको 5-7 मिनट ढक के रख देंगे। ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से दानेदार हलवा बनकर आपका तैयार हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे, हम इसको 5 मिनट के लिए हल्के आंच पर ढककर। माशाल्लाह ये देखिए कैसे दानेदार हलवा हो गया है तैयार। बस अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे करेंगे हम प्लेट में सर्व। दिखाते हैं हम आपको कितना अच्छा। कैसा खिला खिला दानेदार हलवा हो गया आप देख सकते हैं। आप भी बनाएं, ट्राई करें अपने घर पर और फैमिली को खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।